Saw the papers, saw the mistakes. Common mistake in the first paper, as you all know, that debenture part and the sale of machine part. Sale of machine was included in sales. So क्या करना था आपको? Sales में से minus करना था and machine में से minus करना था. उसके बाद depreciation. That was a common mistake. काफी लोगों का हुआ है. And debentures. What are debentures? Now you should know. What are debentures? Type of investment. Okay. डिबेंचर का मतलब कोई कंपनी को आपने लोन दिया है. व्हेन कंपनी रेजेस अ लोन, रिलायंस को लोन लेना है, टाटा को लोन लेना है, तो वो लोग बैंक से भी लोन ले सकते हैं और डिबेंचर के थ्रू भी लोन ले सकते हैं. तो व्हेन यू इन्वेस्ट इन द डिबेंचर्स, आप पैसा लगाते हो तो आप कंपनी को लोन दे रहे हो, उस पर आपको इंटरेस्ट मिलता है. तो कंपनी के लिए लोन है, आपके लिए इन्वेस्टमेंट है. डिबेंचर इज एन इन्वेस्टमेंट, उस पर इंटरेस्ट रिसीवेबल करना था. There was a common mistake. Objectives, all of you got. Objectives में काफी लोगों ने मार्क्स गवाया है. अच्छा, रिमेंबर, ऑब्जेक्टिव में कैंसलेशन नहीं होना चाहिए. ऑब्जेक्टिव कैंसल्ड मतलब कॉपी केस, तो जीरो ही मिलेगा इधर भी और बोर्ड्स में भी. तो बी वेरी वेरी अलर्ट इन राइटिंग द ऑब्जेक्टिव. कैंसलेशन अवॉइड करना इन राइटिंग द ऑब्जेक्टिव. एंड सेकेंड क्वेश्चन, मोस्ट ऑफ यू गॉट इट राइट. सेकेंड क्वेश्चन में गड़बड़ मोस्टली हुआ था आपका क्लियरिंग चार्जेस और ट्रेडिंग पीएनएल के आइटम्स में. अनप्रोडक्टिव वेजेस पीएनएल में जाता है, क्लियरिंग चार्जेस ट्रेडिंग में जाता है. ऑल दीज थिंग्स वी डिस्कस. ओके, ट्रेडिंग पीएनएल के पोस्टिंग में गड़बड़ था, बाकी तो मेजोरिटी ऑफ यू हैव गॉट द सेकेंड सम राइट. सर मेरा पर्टिकुलर्स अमाउंट और ये सब के लिए मार्क्स काट है. पर्टिकुलर बैलेंस, बैलेंस शीट एज ऑन, और बैलेंस शीट एज ऑन में डेट नहीं लिखा था. हाँ, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड, ट्रेडिंग अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड, पूरा लिखना है सर. उसका मार्क्स जाता है. जाता है, यस, इट इज पार्ट ऑफ द बेसिक फॉर्म. उसका तो एक्चुअली जाता है, फुल नहीं आया तो भी जाता है. ट्रेडिंग अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड, बैलेंस शीट एज ऑन, सब तो चाहिए. दीज आर मस्ट थिंग्स. ओके, नेक्स्ट टेस्ट कमिंग अप नेक्स्ट वीक, इट्स ऑन वेनसडे. सिक्स सिक्स सम्स प्रिपेयर करना बराबर से, राइट एंड सॉल्व फाइनल अकाउंट्स एंड बीओई टुगेदर इट इज. ओके, हाउ मेनी मार्क्स विल दैट टेस्ट यू? दैट टेस्ट वुड बी ऑल्सो 40 मार्क्स. आई सेंड यू द पैटर्न. 15 okay. mark final accounts, 10-10 mark ka BOE ka do sums and 5 marks objectives. Okay. Pro forma bhi hone wala hai. So, I'll rather make it 50 marks, 10 mark objective and 5 mark pro forma. Send you the pattern. Pura aapko bhej dunga main group pe. 1 hour 45 minute test, 50 marks. Okay. Prepare properly, 50 mark ka test hai. Don't repeat the mistake what you have done here. Jiska presentation, jiska handwriting acha chahiye, I have written the notes. Improve on presentation, improve on handwriting. Agar aapko time kam pada hai to barabar se, time ka constraint hai to speed badhane ke liye, it is only way is writing practice. Barabar se writing practice karna. Smit Shah tumhare liye bol raha tha, time kam pad raha hai, writing practice. Okay, एक्स्ट्रा टाइम नहीं मिलेगा पेपर में. विद इन द टाइम यू शुड बी एबल टू कंप्लीट दैट. राइट, नाउ लेट्स गो टू एडमिशन ऑफ अ पार्टनर. स्टार्टेड विद केस 3 एंड केस 4 यस्टरडे. राइट, स्टार्टेड विद केस 3 एंड केस 4 यस्टरडे. सी सम नंबर 22 नाउ. Sum number 22. All of you take sum number 22. 22nd sum. See sum number 22, all of you.
राहुल ने अंदर रहा ना, ये गुजरात से, नहीं तो नेटवर्क। आई आई टुक हिम इनसाइड, इज वो जॉइनिंग ही बता रहा है उसका नेटवर्क प्रॉब्लम। सम नंबर 22 ऑल ऑफ यू टेक। Sum number 22. Arun and Anand are partners sharing profits and losses as 3:2. Okay. So the partners' names, you write them first. Who are the Sir, partners? He is not with in the meeting. What? He is not there, I guess. In the meeting, Rahul. अरे भाई वो वेटिंग रूम में आया, मैंने उसको ज्वाइन, मैंने ऐड कर दिया है, उसका नेटवर्क प्रॉब्लम है इसके लिए वो बाहर निकल गया। सम नेटवर्क इश्यू, वो ज्वाइनिंग ज्वाइनिंग बता रहा था अभी तक, एंड देन ही पता नहीं नेटवर्क गया उसका। आएगा तो आई टेक इट, डोंट वरी। अरुण, आनंद एंड अशोक। अरुण, आनंद एंड अशोक, ठीक है। थ्री पार्टनर्स आर अरुण, आनंद एंड अशोक। बैंक अकाउंट है, कैन यू टेल मी द डेट ऑफ बैलेंस शीट? इज अ फ्यू आइटम्स यू हैव टू राइट। फर्स्ट फर्स्ट अप्रैल, फर्स्ट अप्रैल, 31st March दिया। सॉरी नो, 15 अगस्त 2015। 1415 इज द is the balance sheet date, apna balance sheet date. Let's start. Arun and Anand were partners sharing profits and losses in the ratio of 3:2. Okay, old ratio is 3:2. The position as on 31st March was as under. What is the first step? Balances. Balance. Opening balance. Opening balance. Two balance BD, bank balance is 9,000 rupees. And capital mein balance likh do, buy balance BD. Buy balance BD, that is 12,000 and 10,000. Arun and Anand, old partners, 12,000 and 10,000. सेकेंड आइटम, व्हाट इज द सेकेंड आइटम? गुडविल का तो ओपनिंग बैलेंस नहीं है, बैलेंस शीट में नहीं था गुडविल। कैश डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिजर्व्स एंड सरप्लस। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिजर्व्स एंड लॉसेस। द चेक, डू यू हैव एनी रिजर्व्स और लॉसेस इन द प्रॉब्लम? हाउ विल यू आइडेंटिफाई अ रिजर्व और हाउ विल यू आइडेंटिफाई अ लॉस इफ इट इज ऑन द लायबिलिटी साइड? मतलब वो क्या है? प्रॉफिट, मतलब प्रॉफिट। लायबिलिटी मतलब वो बाहर वाले को नहीं देना है, ओनर का पैसा। जैसे कैपिटल है ना, ओनर का पैसा, वैसे रिजर्व भी ओनर का पैसा है। बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचो, बिजनेस हैज टू पे इट टू द ओनर। इंटरनल लायबिलिटी मतलब प्रॉफिट। एसेट साइड पे दिया है मतलब वो लॉस है, ओके, अक्यूमुलेटेड लॉस है। तो लायबिलिटी साइड पे जनरल रिजर्व दिख रहा है आपको? लायबिलिटी साइड पे जनरल रिजर्व, विच साइड ऑफ कैपिटल वुड यू डिस्ट्रीब्यूट इट ऑन? क्रेडिट साइड। क्रेडिट साइड, इट विल इंक्रीज द कैपिटल। By general reserve, which ratio? Old ratio. Sorry, I saw that, then I forgot it again. Fourth point पे दिया हुआ है, wait. Fourth point पे दिया हुआ है, general reserve is to be maintained at its original value. Can you see that? General reserve is to be maintained at its original value. So will you distribute it? नो, ये सब में डिस्ट्रीब्यूट मत करना, क्योंकि फोर्थ पॉइंट पे दिया हुआ है जनरल रिजर्व आर टू बी डिस्ट्रीब्यूट, आर टू बी केप्ट एट इट्स ओरिजिनल वैल्यू। तो पुराने पार्टनर ने डिसाइड किया कि हम हमारे प्रॉफिट को नए पार्टनर को भी देंगे थोड़ा सा। लेट इट बी इन द बैलेंस शीट, लेट इट बी इन द बैलेंस शीट, अग्रीमेंट बिटवीन द पार्टनर। ओके, सो दे हैव नॉट डिस्ट्रीब्यूटेड द जनरल रिजर्व अमंगस्ट ओल्ड पार्टनर। इज इट क्लियर? दे हैव केप्ट इट एज इट इज, दे हैव केप्ट इट एज इट इज। So leave it, don't change it. General reserve distribute नहीं करना है ये सब में। क्यों नहीं करना है समझा? क्योंकि fourth point पे दिया हुआ है general reserve should be kept at its original value, वैसे का वैसा रखना है। So where will general reserve appear now in the problem?
As it is without any change on the liability side. As it is without any change on the liability side. One more item you will find is workman's compensation fund. Can you all see that workman's compensation fund? What is that workman's compensation fund? Dhyan se sunna sab log. It's a new item. Workman's compensation fund is similar to general reserve. Iska treatment lekin thoda sa hatke rehta hai. कभी कभी ये लाइबिलिटी बन जाता है, कभी कभी ये रिजर्व बन जाता है. ऐसा डुप्लीकेट आदमी है, डुप्लीकेट माल है, चाइना का माल है. वर्कमैन्स कॉम्पेंसेशन फंड, समटाइम्स इट विल बिकम अ रिजर्व, समटाइम्स इट विल बिकम अ लाइबिलिटी. नाउ व्हेन इट विल बिकम अ रिजर्व एंड व्हेन इट विल बिकम अ लाइबिलिटी, और होता क्या है समझो इसको. देखो वर्कमैन्स कॉम्पेंसेशन फंड का सिंपल मीनिंग है वो आपका रिजर्व है. जैसे जनरल रिजर्व होता है, रेवेन्यू रिजर्व होता है, वैसे वर्कमैन्स कॉम्पेंसेशन फंड है. उसके सामने जो एसेट है ना वो कैश फॉर्म में रखते हुआ अपना ही प्रॉफिट है, उसको आपने वर्कमैन्स कॉम्पेंसेशन फंड में थोड़ा सा प्रॉफिट अलग से बताया हुआ है और सामने एसेट में कैश है. क्यों अलग से दिखाया है, क्यों कैपिटल में ऐड नहीं किया इस प्रॉफिट को? क्योंकि अगर फ्यूचर में कोई वर्कर इंजर्ड हो जाएगा, आपके काम करते वक्त कोई वर्कर इंजर्ड हो जाता है, किसी को कुछ प्रॉब्लम एक्सीडेंट हो जाता है, तब अगर सपोज उसको कॉम्पेंसेशन देना पड़ता है, कंपनी की गलती हुई उसको पैसा देना पड़ा, तो आपके पास होना चाहिए ना पैसा हाथ में, तो वो पैसा फंड में होता है वर्कमैन्स कॉम्पेंसेशन फंड. तो वर्कमैन्स कॉम्पेंसेशन फंड इफ नो इंफॉर्मेशन इज गिवन इन द प्रॉब्लम देन इट इज अ रिजर्व अक्यूमुलेटेड प्रॉफिट केप्ट असाइड जस्ट लाइक जनरल रिजर्व. और सामने एसेट में कैश है तो आप क्या कर सकते हो, जब भी कोई इंजर्ड हुआ तो आप उसको पे कर सकते हो, बराबर है, उसके लिए रखा हुआ है वर्कमैन्स कॉम्पेंसेशन फंड. तो बेसिक मतलब क्या है वर्कमैन्स कॉम्पेंसेशन फंड का, इट इज अ रिजर्व जस्ट लाइक जनरल रिजर्व और रेवेन्यू रिजर्व. आपका खुद का प्रॉफिट्स है, आपने अलग दिखाया हुआ है, कैपिटल में ऐड नहीं किया है. समझो आपने 1 लाख का प्रॉफिट कमाया तो 10,000 रुपया वर्कमैन्स कॉम्पेंसेशन फंड में डाल दिया, ऐसा. तो वर्कमैन्स कॉम्पेंसेशन फंड में 10,000 दिख रहा है, क्यों रखा है अलग से? कोई इंजर्ड विंजर्ड हो जाएगा तो आप ताबड़तोब उसको पैसा दे सकते, कैपिटल को हिलाने की जरूरत नहीं है. अब अगर एडजस्टमेंट में दिया है, ध्यान से सुनो, ये लायबिलिटी कब बने? अगर एडजस्टमेंट में दिया है वर्कमैन्स कॉम्पेंसेशन फंड रीवैल्यूड, तो मुझे सोच के बताओ, डू यू रीवैल्यू अ रिजर्व और यू रीवैल्यू एन एसेट और अ लायबिलिटी? एसेट और अ लायबिलिटी को रीवैल्यू करते हो. तो वर्कमैन्स कॉम्पेंसेशन फंड अगर रीवैल्यूड दिया है, रीवैल्यूड मतलब बढ़ाया है या घटाया है, वर्कमैन्स कॉम्पेंसेशन फंड को रीवैल्यू किया है, दैट मींस इट विल बिकम अ लायबिलिटी. लायबिलिटी का मतलब कोई तो इंजर्ड हो गया है जिसको पैसा देना बाकी है, अगले 2-3 महीने में दे देंगे, बट फिलहाल इट इज अ लायबिलिटी, इट इज नॉट योर प्रॉफिट, इट इज अ लायबिलिटी. उसको रीवैल्यू करने का अगर एडजस्टमेंट आ गया तो ट्रीट इट लाइक अ लायबिलिटी, डू नॉट ट्रीट इट लाइक अ रिजर्व, ट्रीट इट लाइक अ लायबिलिटी. बात समझ आई? वंस अगेन, वर्कमैन्स कॉम्पेंसेशन फंड इफ नो इंफॉर्मेशन इज गिवन देन इट इज योर रिजर्व और अ लायबिलिटी. रिजर्व कुछ इंफॉर्मेशन नहीं दिया तो वो आपका प्रॉफिट है, ठीक है, रिजर्व के जैसा ही ट्रीट करना है उसको, रिजर्व के जैसे ही ट्रीट करना है, जनरल रिजर्व, रेवेन्यू रिजर्व, पीएनएल अकाउंट के जैसे ही ट्रीट करना है. डिस्ट्रीब्यूट कर देना है ओल्ड पार्टनर को बिफोर एडमिशन, डिस्ट्रीब्यूट देम टू ओल्ड पार्टनर, क्योंकि ओल्ड पार्टनर का प्रॉफिट है. बट अगर एडजस्टमेंट में दिया है वर्कमैन्स कॉम्पेंसेशन रिजर्व रीवैल्यू या वर्कमैन्स कॉम्पेंसेशन फंड रीवैल्यू, तो थोड़ा दिमाग लगाने का. रीवैल्यू क्या करते हो, रिजर्व को रीवैल्यू करते हो कि एसेट लायबिलिटी को रीवैल्यू करते हो? व्हाट डू यू रीवैल्यू? Assets and liabilities. So, in that situation, will you distribute workman's compensation fund directly to partner's capital? No. अगर revalue बोला है तो वो liability है, तो वो reserve है ही नहीं. तो creditor revalued, bills payable revalued, bank loan revalued, वैसे workman's compensation fund revalued. तो revaluation में increase decrease करके liability. मतलब payable है, 1-2 महीने में पैसा देना पड़ेगा. दिया नहीं है, देना पड़ेगा. बात समझ आई? Should
I repeat again, or is this clear about workmen's compensation fund? All of you got this? Very important item. आगे भी आएगा. मेरे को बोलो. If no information is given, क्या करने का workmen's compensation fund? Treated like general reserve, distributed to old partner in old ratio. बराबर है. And suppose revalue करने को बोला है तो treated like what? Liability. Is this clear? वापस आएगा समझ में. याद रखना आगे तीन चार चैप्टर के लिए आने वाला है वर्कमैन्स कॉम्पेंसेशन रिजर्व. ओके अभी ये सब में पढ़ो कुछ दिया है वर्कमैन्स कॉम्पेंसेशन फंड का लायबिलिटी. यस फर्स्ट पॉइंट द लायबिलिटी ऑफ वर्कमैन्स कॉम्पेंसेशन फंड इज डिटरमाइंड एट 2000. ऊपर पढ़ो कितना था रिजर्व 4000. उसमें से लायबिलिटी कितना हुआ है? हाउ मच इज लायबिलिटी 2000. Is it revalued? कुछ बढ़ाया कम किया ऐसा कुछ दिया है? Have you revalued it? Check. Revalue नहीं किया है. It is just a breakup. Breakup मतलब क्या? वो बोल रहा है कि 4000 में 2000 का worker injured हो गया है वो liability है. बचा हुआ 2000 वो reserve है. बात समझ आई? 2000 रुपए का कोई worker injured हुआ है उसको पैसा देना पड़ेगा. That is your liability. And 2000 rupees is reserve. तो यहाँ पे सोच के बताना विल यू डिस्ट्रीब्यूट एंटायर 4000 टू योर पार्टनर्स कैपिटल? नो. हाउ मच विल यू डिस्ट्रीब्यूट? 2000. और लायबिलिटी कितना है लायबिलिटी वर्कमैन्स कॉम्पेंसेशन फंड का? 2000. वो किधर जाएगा? वेर विल यू शो दैट लायबिलिटी ऑफ वर्कमैन्स कॉम्पेंसेशन फंड? Balance sheet. Is there anything supposed to be shown under revaluation account? P&L adjustment में revaluation में कुछ दिखाना है? बढ़ रहा है कुछ कम हो रहा है कुछ? Is there any gain or loss over here? कम हो रहा है ना? नहीं कम नहीं हो रहा है. It is just a breakup. वो internal. आप ऐसे imagine करो question में workman's compensation reserve है 2000 and workman compensation liability है 2000. समझा? वो 4000 का ही हिस्सा है. कहीं रीवैल्यूड दिया रीवैल्यूड रीवैल्यू का मतलब क्या है? बढ़ा या घटा. क्या वो 4000 का 5000 हुआ है या 4000 का 3000 हुआ है? अगर कोई लायबिलिटी बढ़ती या कम होती है एसेट बढ़ता या कम होता है तो रिवैल्युएशन में जाता है. बराबर. यहाँ पे तो कुछ बढ़ा भी नहीं घटा भी नहीं खाली आपको बोल दिया ब्रेकअप है. वो ब्रेकअप का मतलब 2000 इज प्रॉफिट 2000 इज लायबिलिटी. सपोज नीचे दिया होता वर्कमैन्स कॉम्पेंसेशन की लायबिलिटी इज 3000. वर्कमैन्स कॉम्पेंसेशन की लायबिलिटी इज 3000. रीवैल्यू नहीं बोला है खाली लायबिलिटी बोला है. इसका मतलब क्या हुआ? जो 4000 ऊपर दिख रहा है ना उसमें से 3000 आपकी लायबिलिटी है और 1000 आपका रिजर्व है. तो 1000 आप डिस्ट्रीब्यूट कर दो 3000 को दिखा दो लायबिलिटी. समझ में आई बात? नीचे दिया है कि वर्कमैन कॉम्पेंसेशन लायबिलिटी वॉज 4000. Workman compensation liability was 4000. Then how much will you show under liability? Would you distribute anything to the partners in that case? No amount is your reserve. No amount is your reserve. पूरा का पूरा liability है. Got it? तो ये सब ये तो straight forward है. Breakup दे दिया है. Revalued दिया है तो पूरा का पूरा liability. रीवैल्यूड नहीं दिया है ब्रेकअप वेकअप नहीं दिया तो पूरा का पूरा रिजर्व. सपोज वर्कमैन्स कॉम्पेंसेशन का कुछ इंफॉर्मेशन ही नहीं होता नीचे एडजस्टमेंट में तो फिर क्या अज्यूम कर? इट वुड हैव बीन पूरा 4000 जनरल रिजर्व 4000 डिस्ट्रीब्यूट कर. बट ये सब में सोच के बताना कैन यू डिस्ट्रीब्यूट फुल 4000? नो 2000 ओनली 2000. व्हाट अबाउट द रिमेनिंग 2000? Liability. Why क्योंकि कोई इंजर्ड हो गया क्वेश्चन में दिया है फ्यूचर में एक दो महीने में आपको पैसा देना पड़ेगा. Got it? तो वर्कमैन्स कॉम्पेंसेशन रिजर्व कभी भी आए ये आइटम थोड़ा अतरंगी है. मैंने बोला कभी रिजर्व होता है कभी लायबिलिटी होता है. तो होता है कब लायबिलिटी होता है आपको समझ में आया? कुछ इन्फॉर्मेशन नहीं दिया मतलब क्या है वो? रिजर्व है डिस्ट्रीब्यूट कर दो पार्टनर्स को ओल्ड रेशियो. अच्छा अगर रीवैल्यूड बोला है तो
एड और लेस, तो एड और लेस करके लायबिलिटी में देता हूँ। और ये क्या है, ब्रेकअप है, अभी जो क्वेश्चन में दिया वो ब्रेकअप है, 2000 रिजर्व, 2000 लायबिलिटी, 1000 रिजर्व, 3000 लायबिलिटी, ओके, 3000 रिजर्व, 1000 लायबिलिटी, डिपेंडिंग ऑन द क्वेश्चन, बोलो। So this 2000 will go in revaluation account or only liability? Only liability. That's what I was saying. Na revaluation में कब जाएगा? जब 4 का 5 हुआ या 4 का 3 हुआ. Is it increasing or decreasing? No. It is just a breakup. Revalued तो दिया ही नहीं है कहीं पे भी. Breakup है, breakup. आप ऐसे imagine करो. Imagine. In the balance sheet you have workman's compensation reserve 2000. Workman's compensation liability 2000. रिजर्व डिस्ट्रीब्यूट लाइबिलिटी को लाइबिलिटी जस्ट लाइक क्रेडिटर्स, उसके जगह टोटल दे दिया 4000, तो वी विल जस्ट ब्रेक इट अप, वी विल जस्ट ब्रेक इट अप इनटू टू पार्ट, गॉट इट? सो नथिंग विल गो अंडर रिवैल्यूएशन, होप दैट इज क्लियर। इट इज जस्ट एन इंटरनल ब्रेकअप, 4 का दो टुकड़ा है, 2000 प्रॉफिट, 2000 लाइबिलिटी, गॉट इट? यस सर, थैंक यू, वेलकम। सो डिस्ट्रीब्यूट करना है अभी वर्कमैन्स कॉम्पेंसेशन रिजर्व, लेकिन कितना by workman's compensation fund, how much would you distribute? Only 2000 rupees in the ratio of 3:2, that would be 1200 and 800. What about the remaining workman's compensation fund? That would be liability. Either liability likh dena hai 2000 एंड जनरल रिजर्व, क्या डिस्ट्रीब्यूट करना है जनरल रिजर्व? हर सम में करते थे हम लोग आंख बंद करके, आर वी सपोज टू डिस्ट्रीब्यूट इन दिस सम? नो, बिकॉज दे आर स्पेसिफाइड एज इट इज, दिखना चाहिए, हो सके तो जस्ट बिलो कैपिटल दिखाना, बाकी नीचे दिखाओगे तो भी चलेगा। जनरल रिजर्व भी लाइबिलिटी में आएगा आपका, नया लाइबिलिटी में 12000 रुपया, ओके। Next one. Third step is what? What is the third step? Bolo. New partners capital. Goodwill. New partners capital. उसके बाद goodwill. Fourth step is goodwill. So new partners capital का entry क्या होगा? Bank to Ashok's capital. How much capital is brought in by Ashok? 20,000. Capital of Ashok is 20,000. Yes. So bank में to Ashok capital, Ashok capital में by bank. That's 20,000. ठीक है? Then fourth step is goodwill. Check and tell me which case of goodwill is that? 1, 2, 3, 4. Fourth. All of you check. Fourth one, because it is written off. Goodwill is raised by 5,000 and. Very. Goodwill is raised and written off. कल हमने किया था याद है? Goodwill is raised and written off. How many entries in case 4? Two entries. What is the first entry of raising the goodwill? Goodwill to old partner. Who are the old partners? Arun and Anand. So goodwill to Arun cap, goodwill to Anand cap. Goodwill to Arun cap, goodwill to Anand cap. Which ratio? Old ratio. Old ratio. Ton. Short form is ton. Total goodwill, old ratio and new ratio. Okay. Old ratio kya aapka 3:2 hai. So 3000 to Arun and 2000 to Anand. Is this share of goodwill or total goodwill 5000? What do you think? Total. That's total goodwill. Kuch nahi diya wo total hi hai. टोटल गुडविल इज 5000, 3:2 में डिवाइड करो, 3 पार्ट्स टू अरुण 2 पार्ट्स टू आनंद। करस्पॉन्डिंग एंट्री गुडविल में टू अरुण टू आनंद कैपिटल, सो अरुण आनंद में क्या आएगा? बाय गुडविल 3000 एंड 2000, बाय गुडविल 3000 एंड 2000, गॉट इट? आफ्टर दैट यू आर सपोज टू राइट इट ऑफ, व्हाट इज द एंट्री, हु विल राइट ऑफ द गुडविल? All partner, what is the entry for writing of goodwill? In goodwill, it will come on credit side, all partners. Credit side? Capital to goodwill. All partners capital to goodwill. So on the debit side.
कैपिटल के डेबिट में आएगा ना ऑल पार्टनर टू इन गुडविल. आई सेड इन गुडविल में क्रेडिट साइड पे बाय ऑल पार्ट एंड ऑल पार्टनर में डेबिट साइड पे. बट व्हिच रेशियो? न्यू रेशियो. न्यू रेशियो. न्यू रेशियो. सो यू कैलकुलेट द न्यू रेशियो. यू नो हाउ टू कैलकुलेट न्यू रेशियो राइट? कैलकुलेट द न्यू रेशियो. ओ आर इज 3:2. एस आर के बारे में कुछ नहीं दिया है तो 3:2. व्हाट इज न्यू पार्टनर शेयर? 1/5. अशोक शेयर इज 1/5. कम ऑन कैलकुलेट द न्यू रेशियो ऑल ऑफ यू. कैलकुलेट द न्यू रेशियो. So 12:8:5. Let others check. All of you calculate the new ratio. बराबर है. पहले actual ऐसा ढूंढ लेना ना. Actual है सर और फिर है ना. Mela, new ratio, all of you got that? What is the new ratio? 12:8:5. So come back to goodwill. Goodwill to old partners, old ratio. First entry done. What is the second entry to write off goodwill? Come on. All partner to goodwill. मतलब अरुण आनंद अशोक टू गुडविल. अरुण आनंद अशोक टू गुडविल. गुडविल को कम करना है. कितने से कम करना है? पूरा रेस किया था उतने से कम करना है. 5,000 rupees. बट इन विच रेशियो? New ratio. करो 5,000 को divide 12:8:5 में. 2,400, 1,600, and 1,000. Is that right? 24, 16, and 1,000. बराबर है. Check कर लो. So partners capital में 2 goodwill और goodwill में क्या आएगा? By Arun, Anand and Ashok capital. By Arun cap, by Anand cap, by Ashok cap. दो एंट्री और गुडविल का काम तमाम. 2,400, 1,600, and 1,000. Tell me, will goodwill appear in the balance sheet? No. Goodwill will not appear in the balance sheet because it is written off. तो raise किया, write off किया. और क्या किया हमने? नया पार्टनर कैश में नहीं लाया गुडविल, तो उसके कैपिटल में से हड़प लिया 1,000 फॉर गुडविल. दिख रहा है आपको? अशोक का कैपिटल में से 1,000 ले लिया, डेबिट किया और आनंद और अनुन का ऑटोमेटिकली बढ़ जाएगा.
दैट इज व्हाट इज केस 3 एंड केस 4. जब वो कैश में गुडविल नहीं लाता है तो उसके कैपिटल में से हम हड़प लेते हैं, 1000 रुपीज निकाल लेते हैं. नाउ व्हाट इज द कैपिटल ऑफ अशोक, फाइनल कैपिटल ऑफ अशोक? 19,000. फाइनल कैपिटल ऑफ अशोक इज 19,000. इज दैट क्लियर? नॉट 20,000. 1000 वो नहीं लाया. चलो रिवैल्यूएशन पे जाते हैं. फिफ्थ स्टेप इज रिवैल्यूएशन. ओके, अच्छा वो समझाना आपको. न्यू रेशियो के लिए अशोक का शेयर 20% प्रॉफिट मतलब 1/5 होता है. हेलो, 20% मतलब 1/5. ओके, चलो रिवैल्यूएशन पे जाते हैं. लायबिलिटी फॉर वर्कमैन्स कॉम्पेंसेशन फंड, वो तो पार्ट था, रिवैल्यू कुछ था ही नहीं वहां पे. देन गुडविल शुड बी रेज्ड एंड रिटन ऑफ, वी सॉ दैट, वी डिड दैट. अशोक वॉज टू ब्रिंग अ कैपिटल, ये भी हो गया. जनरल रिजर्व भी हो गया. 2000 का क्रेडिटर में पेड ऑफ एट 5% डिस्काउंट, खाली एक ही है रिवैल में. 2000 का क्रेडिटर को 5% डिस्काउंट में पे ऑफ किया. पहले बताओ व्हाट इज द अमाउंट ऑफ क्रेडिटर? 12,000. आपने पूरा क्रेडिटर पे ऑफ किया है कि ओनली 2000 का? ओनली 2000 का, तो बचा कितना? 10,000. 2000 का क्रेडिटर को आपने कैसे पे ऑफ किया, कितना दिया? 5% डिस्काउंट, मतलब 100 रुपए डिस्काउंट पे 1900 पेड ऑफ. तो पहले क्या करना है, क्रेडिटर क्या हुआ, बढ़ा कि घटा? घटा. घटा. 2000 का क्रेडिटर 1900 हो गया. इज इट अ गेन और अ लॉस? गेन. गेन. सो जाएगा रिवैल्यूएशन क्रेडिट साइड बाय क्रेडिटर. कितने का गेन हुआ, कितने का डिस्काउंट मिला? 100. एंड फिर आपने पे ऑफ किया है, तो कैन यू टेल मी द एक्स्ट्रा एंट्री फॉर लायबिलिटी पेड ऑफ? बैंक, इट विल गो बाय क्रेडिटर्स. इट्स क्रेडिटर टू बैंक, द एंट्री इज क्रेडिटर टू बैंक. ऑल ऑफ यू गॉट दैट? लायबिलिटी टू बैंक, इज दैट राइट? क्रेडिटर टू बैंक, तो बैंक में क्या आएगा? बाय क्रेडिटर. दैट्स हाउ मच आर यू पेइंग? 2000 या 1900? 1900. एंड व्हाट इज द सेकंड इफेक्ट? We'll subtract from creditors. Subtract from creditors. So basically, अभी creditors कितना बच गया आपके पास? Out of 12, 2 का creditor you have paid and settled. तो बचा कितना? 10,000. Where will this 10,000 go? Balance sheet. Balance sheet. Balance sheet liabilities में लिख दो creditors 10,000. समझा कैसे? 12 से 10 हो गया. 2000 का pay off कर दिया. 2000 का pay off किया for 1900. 100 का डिस्काउंट, 1900 इन क्रेडिटर्स टू बैंक, तो बैंक में बाय क्रेडिटर. इज दिस क्लियर? ऑल ऑफ यू गॉट दिस? क्रेडिटर का पेड ऑफ, एनी डाउट इन दैट? टेल मी. बस खत्म. प्रोपोर्शनल कैपिटल एडजस्टमेंट नहीं है. फाइंड आउट प्रॉफिट और लॉस. 100 रुपए का टोटल है. टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, दिस इज अरुण कैप, आनंद कैप, ओल्ड पार्टनर. ओल्ड रेशियो इज व्हाट? 3:2. डिवाइड करो 3:2 में तो कितना आता है? 60-40. तो पर्टिकुलर में आना चाहिए. ठीक है. और पार्टनर कैपिटल में आएगा बाय रिवैल. पार्टनर कैपिटल में आएगा बाय रिवैल. दिस इज 60 एंड दिस इज 40. डू नॉट हैव एनी प्रोपोर्शनेट कैपिटल एडजस्टमेंट, राइट? और डू यू हैव एनी प्रोपोर्शनेट कैपिटल एडजस्टमेंट? है कुछ प्रोपोर्शनेट कैपिटल एडजस्टमेंट? डोंट हैव, राइट? सो क्लोज डाउन your capital normally like you do to balance CD. This is 19,000 for Ashok. 20 minus 1. What is Arun ka total? 12 plus 3 15 16 200 16 260 aa raha hai. 16 260 and 12,840. Karo minus, this is 11,240. This is, I think, 13,840. Is that right? 13,840. Correct? Check karo. And partner's capital account.
ओके, अरुण कैप, आनंद कैप एंड अशोक कैप. दिस इज 13860. What is the total? Forty-four one hundred should be the total. ओके okay. इधर कोई भी एसेट आपका रीवैल्यू नहीं हुआ था तो सबका सब एज इट इज. जो मार्केट वैल्यू है वही वैल्यू रिफ्लेक्ट कर रही है. 8000 प्लांट एंड मशीनरी इज 10000. डेटर्स आर 11000. स्टॉक इज 12000. व्हाट इज द बैंक बैलेंस? कितना रहा बैंक बैलेंस? बाय बैलेंस सीडी 27100. एक दिन बाद कुछ पैसा आया कुछ पैसा गया और अभी बैंक में बच गया 27100. अरुण अलाउड लाइक नो रिवैल्यूएशन. सॉरी allowed that is matlab we didn't do any revaluation matlab the assets were already at the market value, the market value was same, so we did not change the value of any of the assets. So sab upar se copy karna hai. Bank mein paisa aa gaya to bank changed. Workmen's compensation fund, general reserve, creditors sab likh liya hai. It should tell. Will you have goodwill in the balance sheet? Tell me. Oh, you have goodwill because it is written off. Ye dikh raha hai, raise kiya goodwill to old partner, old ratio. ताबड़तोब write off किया तो all partner to goodwill, all partner to goodwill, new ratio. तो goodwill नहीं आएगा. Tally is on what? 68100. Check कर लो ये 68100. Straightforward sum. What was the different part in the problem? WCF. Okay. Workmen's compensation fund. कुछ नहीं दिया है तो reserve. Revalued दिया है तो liability. और breakup दिया है तो आधा reserve, आधा liability. Like it happened in this. बाकी सब normal था. Case 4 of goodwill था. कल हमने start किया. With that, next one. Sir, journal का जवाब छोड़ना है? नहीं. Come to some number. नहीं, इसमें जर्नल नहीं है. नो जर्नल इन दिस सम. नेक्स्ट सम आ जाओ. अभी वी आर स्टार्टिंग विद अ न्यू टाइप. ओके, व्हाट इज दैट न्यू टाइप? न्यू टाइप ऑफ नॉट न्यू टाइप. वन मिनट. एक सम मैंने पता है बीच में लिया था और कौन सा था? 30 हाँ राइट. सम नंबर 30 ले लो. सब सम नंबर 30. सम नंबर 30 ऑल ऑफ यू टेक. सम नंबर 30 3030. Sum number 30, yes, that.
सम नंबर 30, रमीला उर्मिला एंड शर्मिला, रमीला उर्मिला शर्मिला। मैं स्टार्ट किया था फिर मैं रुक गया था बीच में। सम नंबर 30, परफेक्ट। रमीला एंड उर्मिला आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट्स इन द रेशियो ऑफ 3:1। लुक एट द बैलेंस शीट, टेल मी कैश है कि बैंक है, कौन सा अकाउंट बनाना है आपको, कैश अकाउंट बनाना है। एंड व्हाट इज द डेट ऑफ बैलेंस शीट, व्हाट विल बी द डेट ऑफ बैलेंस शीट, 1/1/16, 31/12 का एक दिन बाद, ठीक है, आफ्टर एडमिशन। नाउ फर्स्ट स्टेप, यू स्टार्ट विद द ओपनिंग बैलेंस, करेक्ट। सो कैश में लिख दो, टू बैलेंस ब्रॉट डाउन, दैट्स 20 to 500। देन गो टू कैपिटल अकाउंट and mention by balance brought down, capital account mein likh do, by balance brought down, that is 30,000 and 16,000, is that clear? 30,000 and 16,000. रमीला एंड उर्मिला, अपने डिवाइड करवाया था। व्हाट इज द सेकंड, किसको डिवाइड करना? अपने कर लिया था, रिजर्व डिवाइड कर लिया था। अच्छा, रिजर्व्स कर लिया था हमने। ओके, ये सब में रिजर्व्स का इंफॉर्मेशन नहीं है, तो बाय रिजर्व अकाउंट, दैट वुड बी 4000 इन द रेशियो 3:1, 3000 and 1000, बराबर है। ओके, देन थर्ड स्टेप इज कैपिटल, रीड अबाउट कैपिटल, ध्यान से पढ़ो। फर्स्ट पॉइंट इज शर्मिलाज कैपिटल, व्हाट इज न्यू पार्टनर्स कैपिटल, शर्मिला विल ब्रिंग 20,000 एज कैपिटल, बट कुछ अलग दिख रहा है आपको वहां पे? कैश उर्मिलाज कैपिटल स्मिथ शाह, देयर इज समथिंग डिफरेंट। आर यू लिसनिंग? स्मिथ शाह, write down, Sharmila will bring 20,000 as her capital in the form of 5,000 cash, stock of 8,000 and furniture of 7,000 for 1/5 share. Is Sharmila getting the capital only in cash? No, it's coming in various forms. So what will be the journal entry for capital? Cash, stock, furniture to Sharmila. Cash, stock, furniture to capital. Yaad hai 11 mein karte the, ओनर कुछ भी लेके आता था, फर्नीचर लेके आता था, स्टॉक लेके आता था, कैश, बैंक, लाइफ स्टॉक। तो यहाँ पे सेम एंट्री आएगी, कैश स्टॉक फर्नीचर टू कैपिटल, कैश स्टॉक फर्नीचर टू कैपिटल। ओके, तो ये देखो, ये एंट्री है, कैश स्टॉक फर्नीचर टू शर्मिला कैपिटल, कैश स्टॉक फर्नीचर टू शर्मिला कैपिटल। कैश कितना लाया है उसने? 5,000। स्टॉक कितना लाया है? 8,000। फर्नीचर कितना लाया है? 7,000। टोटल कैपिटल है 20,000। इसको आपको स्प्लिट करना है और पोस्ट करना है, लेजर में हमेशा स्प्लिट एंड पोस्ट। तो कैश टू कैपिटल, हाउ मच इज कैश टू कैपिटल? 5,000। देखो ध्यान से मैं कैसे लिख रहा हूँ, कैश टू कैपिटल, कैश में टू शर्मिला कैपिटल, कैश में टू शर्मिला कैपिटल, बट इट विल बी ओनली 5,000। कैश में टू शर्मिला कैपिटल 5,000, शर्मिला कैपिटल में बाय कैश 5,000। 20 मत लिख देना बाय कैश एंड टू कैपिटल, समझा? क्यों? क्योंकि बाकी आइटम्स के लिए वो अलग, बाकी कैपिटल के लिए अलग आइटम्स आ रहे हैं। तो दूसरा एंट्री क्या होगा? स्टॉक टू कैपिटल, डू यू हैव स्टॉक अकाउंट? We will add in balance sheet assets. You will add it in balance sheet assets. Stock बढ़ जाएगा ना आपका, बात समझ आई? तो stock में add हो जाएगा और to capital. तो capital में क्या आएगा? Buy stock. Capital में buy stock. Capital account तो है आपके पास. तो cash में to capital, capital में buy cash. Stock में to capital करने के लिए stock account है ही नहीं. Stock हम लोग सीधा balance sheet में add कर देंगे and capital में buy stock. फर्नीचर टू कैपिटल,
डू यू हैव फर्नीचर अकाउंट? फर्नीचर में टू कैपिटल, वो नहीं लिख सकते, तो क्या करोगे फर्नीचर को, क्या करोगे सेकंड इफेक्ट? इधर दिखा सकते हो बाय फर्नीचर 8000, व्हाट विल बी द सेकंड इफेक्ट? फर्नीचर अकाउंट नहीं, बैलेंस शीट में ऐड कर देने का फर्नीचर को, बिजनेस में और फर्नीचर आ गया, समझ में आई बात? स्टॉक इज 8000, स्टॉक 8000 है, फर्नीचर 7000. ओके, यू गॉट द एंट्रीज, हाउ टू डू इट? 8000 इज स्टॉक एंड 7000 इज फर्नीचर. एंट्री समझ में आया आपको? कैश टू कैपिटल, तो कैश में टू कैपिटल, कैपिटल में बाय कैश 5000. स्टॉक टू कैपिटल, स्टॉक में टू कैपिटल नहीं लिख सकते, स्टॉक अकाउंट है ही नहीं, तो डायरेक्टली बैलेंस शीट में ऐड कर दो, कैपिटल में बाय स्टॉक. फर्नीचर टू कैपिटल, तो फर्नीचर में टू कैपिटल नहीं लिख सकते, तो बैलेंस शीट में ऐड कर दो, और कैपिटल में बाय फर्नीचर, सेकंड इफेक्ट. गॉट इट? एब्सोल्युटली, रिवाल में कोई चेंजेस नहीं करना है, ये तो फ्रेश स्टॉक आया है. एग्जिस्टिंग स्टॉक बढ़ता कम होता तो रिवाल में आता, बराबर है? नया स्टॉक आया है, रिवाल में कुछ नहीं दिखने वाला है. मुझे एक बात बताओ, समझो क्वेश्चन में फर्नीचर को रिवैल्यू करने को बोला है, तो कौन से फर्नीचर को रिवैल्यू करोगे? ओरिजिनल फर्नीचर को, ये जो नया वाला आया है उसको? ओरिजिनल, ऑब्वियसली ओरिजिनल. नया वाला फर्नीचर को टच भी नहीं करना है, नया वाला स्टॉक को टच भी नहीं करना है, उसको एज इट इज खाली बैलेंस शीट में जाके ऐड करके दिखा देने का. इज दिस क्लियर? रिवैल्यूएशन विल बी ओनली ऑफ ओल्ड एसेट्स एंड ओल्ड लायबिलिटीज व्हिच बिलोंग टू ओल्ड पार्टनर. अंडरस्टूड? समझा इसका मतलब? और डिफरेंट एसेट्स के फॉर्म में ओनर कैपिटल लाया है. ओके, नेक्स्ट वन कैपिटल हो गया. गुडविल का केस पढ़ो, पॉइंट नंबर 4 पढ़ो. पॉइंट नंबर 4, the share of Sharmila in the goodwill of the firm is valued at 4000, but Sharmila is not required to bring this in cash. Which case? Case 3. Case 3 or case 4? Or case 1 or 2? Case 3. Case 3. Why not 1? Why not 2? There is no cash involved. There is no cash involved. She is not getting the goodwill in cash. Can you see that? Now, why not fourth case? Why not fourth case? Because it is not written. There is nothing written off. There is nothing specified about written off. So, it is case 3, 100%. In case 3, we need which goodwill? Share of goodwill or total goodwill? Total. Total chahiye aur question mein padho kya diya? What is given in the question? Check all of you. Share of Sharmila. Sharmila share of goodwill is given. Of goodwill दिया है. तो क्या entry pass कर दूँ? Total नहीं है तो जो मिला उससे pass कर देते हैं. है कि नहीं? चलेगा ना? Total ढूँढना पड़ेगा आपको. कैसे ढूँढोगे? Share से total goodwill कैसे ढूँढोगे? बताओ बताओ बताओ. 5 times 4,000. नीचा अभी तुम network से बाहर निकले थे. I'll remove you out now on purpose. One more time I find you talking. तुमको मेरे को लगता नहीं है 60% से ऊपर जाने का. यू हैव टू गो बिलो नाउ. एवरी लेक्चर यू आर लूजिंग 1-1%, 59-58. बोर्ड्स तक फेल होने का नौबत आ जाएगा. स्मिथ शाह, स्मिथ शाह, आर यू लिसनिंग? लुक एट द स्क्रीन. स्मिथ शाह, इडियट ओनली. Sharmila's share of goodwill is 4000 rupees. Okay. Sharmila's share of goodwill is 4000 rupees. What will be the total goodwill? How will you calculate the total goodwill? Into divide by 5. Into divide by 5. Iska matlab kaun sa language hai ye? 4000 ko divide by 5. 4000 ko aur. वो तो बेचारा शेयर है, उसको भी तुम और डिवाइड बाय 5 करना चाह रही हो. मल्टीप्लाई बाय 5. इमेजिन ये 4000 किस पार्ट के लिए? व्हाट इज द शेयर ऑफ न्यू पार्टनर? 1/5. तो 1/5 का अमाउंट इज 4000 ना, तो टोटल कैसा मिलेगा गुडविल? मल्टीप्लाई बाय 5. मल्टीप्लाई बाय 5 रेसिप्रोकल इनटू 5 बाय 1 दैट वुड बी 20000. ओके,
टोटल में से शेयर लेना है तो 1/5 करने का, अगर 4000 शेयर से टोटल लेना है तो 5/1 करोगे ना, रेसिप्रोकल 5/1, इज दैट क्लियर? अंडरस्टूड? सो 20,000 इज द अमाउंट ऑफ गुडविल, ऑल ऑफ यू गॉट दैट? एंट्री कौन से अमाउंट से करनी है, 4000 या 20,000? 4000. Why not 4000? Share of goodwill. And third and fourth case mein we need share or we need total? Total. We need total goodwill, right? समझा क्यों total goodwill? Total को raise करोगे, फिर total को write off करोगे, तब जाके net effect share में जाता है. आपको बताया था ना वो A cap, B cap to C cap. Sorry, C cap to A cap to B cap. Net effect. C cap to A cap to B cap. Example में. C cap मतलब नया पार्टी का कैपिटल कम हुआ और पुराना कैपिटल बढ़ गया. C cap to A cap to B cap. टोटल टोटल राइट ऑफ करना है. तो अमाउंट याद रखना, इसके लिए आपको शॉर्टकट दिया हुआ है. केस वन केस टू SS, केस थ्री केस फोर टन. केस वन केस टू SS का मतलब शेयर ऑफ गुडविल एंड सैक्रिफाइस रेशियो. केस थ्री केस फोर टोटल गुडविल एंड ओल्ड रेशियो एंड न्यू रेशियो. बराबर है? ओल्ड से रेस करो, न्यू से राइट ऑफ करो. नाउ टोटल गुडविल चाहिए, वो मिल गया 20,000. विच केस वॉज दिस, थर्ड केस और फोर्थ केस? थर्ड केस. व्हाट इज द एंट्री इन थर्ड केस? गुडविल को रेस कर एसेट में बताना. एंट्री जर्नल एंट्री क्या है थर्ड केस का? एक ही तो जर्नल एंट्री है. व्हाट इज द जर्नल एंट्री? गुडविल टू ए कैप टू बी कैप. गुडविल टू ओल्ड पार्टनर. हु आर द ओल्ड पार्टनर? रमीला एंड उर्मिला. गुडविल टू रमीला टू उर्मिला कैपिटल. टोटल गुडविल की शेयर ऑफ गुडविल बोलो मेरे को. टोटल की शेयर, टोटल की शेयर. अरे घनचक्कर, अभी अभी तो कैलकुलेट किया शेयर से टोटल. हाफ असली ओनली हुआ. टोटल टोटल. थर्ड एंड फोर्थ केस विच गुडविल यू वांट? टोटल टोटल गुडविल. फाइव टाइम्स आई एम टेलिंग द सेम थिंग. आर यू अ किड? सेकंड स्टैंडर्ड, फर्स्ट स्टैंडर्ड? थर्ड एंड फोर्थ केस विच केस विच विच गुडविल डू वी नीड? टोटल. टोटल शेयर ऑफ गुडविल क्वेश्चन में दिया तो उठा मत लेना शेयर ऑफ गुडविल. समझ में आ रहा है? शेयर से टोटल ढूंढना है तो कैसे ढूंढने का बोलो मेरे को. हाउ विल यू फाइंड आउट टोटल गुडविल फ्रॉम शेयर? रेसिप्रोकल. रेसिप्रोकल लेके. और टोटल से शेयर ढूंढना है तो सीधा शेयर मल्टीप्लाई करो. गॉट इट? तो केस वन और केस टू में ही शेयर चाहिए. केस थ्री एंड केस फोर इट इज टोटल गुडविल. ओके. So goodwill to Ramila cap to Urmila cap, total goodwill, which ratio? Old ratio. Old ratio. What is the old ratio? 3:1. Karo divide 3:1 mein. 15,000 and 5,000. Is that clear? So goodwill mein to Ramila cap to Urmila cap, to Ramila Urmila mein kya aayega? बाय गुड. 15,000 और 5,000 राइट ऑफ नहीं किया है अभी. कब करोगे राइट ऑफ? व्हेन यू विल बी राइटिंग ऑफ दिस गुडविल? द कमिंग इयर्स. द कमिंग इयर्स, वन और टू इयर्स. ओके. इट विल बी रिटर्न ऑफ बाय हुम? हु विल राइट ऑफ दिस गुडविल? ऑल पार्टनर्स. ऑल पार्टनर्स. ऑल द थ्री पार्टनर्स. न्यू रेशियो. न्यू रेशियो. न्यू रेशियो. तो इधर खाली रेज किया है, छोड़ दिया है. टू द नेक्स्ट पार्ट. गुडविल रेज्ड, डन. Come to fourth step ho gaya goodwill. Come to fifth step, revaluation. Read. The value of stock and furniture shall be reduced by 10%. Now my question is, which stock and furniture? Jo naya partner laya wo stock furniture ki jo existing stock or furniture? Existing stock excluding the new share. Existing stock and furniture. Okay. Naya wala stock or furniture ka kuch lena dena nahi hai. The stock 20,000. Likh do. Existing stock and furniture shall be reduced by 10%. So revalued 10% से कम हुआ, ये कितना हो जाएगा अभी? 18. बराबर है? इनर कॉलम में ही लिखना 18, आउटर में मत लिखना. क्यों इनर में लिखा है बता सकते हो? Now we'll add the new partner का stock, new capital का stock. वो कितना लेके आया देखो, new stock 8,000. So total stock will become 26,000. Is this clear? Yes.
total stock will become 26,000. And what will be the second effect of stock reduced? Stock reduced will go to reval debit side to stock. Two stock, that will be 2,000. Next. Furniture also shall be reduced by 10%. Use your brains. Come on. Which furniture will you decrease? The original or the new one or both? Bolo. Original. Original. Why only the original one? Why not the new one? You understood? Purana partner kar raha hai na revaluation. Unhone jo furniture wapra hua hai. मार्केट वैल्यू पे लेके आएंगे. नया वाला तो फ्रेश आया है, फ्रेश, उसको रिवैल्यू करने का जरूरत नहीं है. तो लेस रिवैल्यूड दैट वुड बी 10%, 100 रुपीस, 900 इनर कॉलम में लिखना, प्लस न्यू फर्नीचर, न्यू पार्टनर का जो फर्नीचर है वो इसमें ऐड कर दो. इतना है न्यू फर्नीचर 7,000, टोटल हो जाएगा 7,900. ओके, फर्नीचर जो न्यू पार्टनर लाया ना, इधर दिखाया है तुमने, देखिए बाय फर्नीचर, बाय स्टॉक का सेकंड इफेक्ट मैंने बैलेंस शीट में ऐड कर दिया. और रिवाल डेबिट साइड लिख लो, जो फर्नीचर एग्जिस्टिंग फर्नीचर कम हुआ है दैट वुड बी 100 रुपीज. एग्जिस्टिंग फर्नीचर जो कम हुआ है दैट इज 100 रुपीज. कम टू द नेक्स्ट वन, रिजर्व फॉर बैड एंड डाउटफुल डेट शुड बी क्रिएटेड एट 5% ऑन डेटर्स. टेल मी, ओरिजिनल आरडीडी था कुछ बैलेंस शीट में? डिड यू हैव एनी आरडीडी इन द बैलेंस शीट? चेक, नो. तो नया ही क्रिएट करना है. इज इट अ गेन और अ लॉस? आरडीडी पूरा बढ़ रहा है 5%, द लॉस. तो रिवाल में 2 आरडीडी दैट वुड बी 800 रुपीस, एंड डेटर्स आर 16,000 लेस आरडीडी 5% दैट इज 800. You get 15,200. Value of land and building shall be decreased by 20%. Is it a gain or a loss? Loss. It's a loss. So land and building 25,000 tha, less revalued 20%, that's 5,000. So now it becomes 20,000. And reval ka debit side pe jayega to land and building, that's 5,000. To land and building, that's 5,000. Is it clear? Got it? Then, land and building ke baad, what next we have? Share of Sharmila in the goodwill is valued at 4,000 and Sharmila is not required to bring the goodwill in cash. So, 4 into 5, 20,000 ho gaya, humne goodwill ka value kar liya. All partners' capital should be kept in the profit sharing ratio by bringing or withdrawing the necessary amount. What is that last adjustment? PSR. PSR, new partner, proportionate capital adjustment. Barabara? Proportionate capital adjustment se pehle, profit or loss, 7,900. Yo jayega by partner's capital, by partner's capital, Ramila cap and Urmila cap. Barabara? Kaun sa ratio aayega, Ramila and Urmila? Which ratio will divide the profit? Old ratio. Old ratio. Karo divide old ratio. What is your old ratio? 3:2. 7,900 in the ratio of 3:2. So 3:1. Ah, sorry. 3:1. 3:1 old ratio. 7,900 in the ratio of 3:1. Karo. 5,925 and 1,975. So by partner capital mein aa jayega to reval 5,925 and 1,975. 5,925 and 1,975. Can I directly calculate the balance credit minus debit karke? No. No. You need to calculate proportionate capital first. Okay. So for that you need which ratio? New ratio. All of you calculate the new ratio. Come on. Do it on your own. Calculate the new ratio. All of you do it.
OR, NR, sorry, OR, SR, actual SR and then NR. करो खुद से करो. Calculate the new ratio. Come on. Do it. The 3:1:1. Is it 3:1:1? No. 12:4:1. I don't know. Calculate on your own. Come on, do it. Tell me the answer for new ratio. Kya raha hai, bolo. 3:1:1. 3:1:1. Is that right? 3:1:1. 3:1:1. That's your new ratio. 3:1:1. Whose capital you will take as base? Whose capital you will take as base? Sharmila. What is Sharmila's capital? 20,000. ऐसा मत समझना कि 5,000 cash लाया तो 5,000 capital है. बात समझ आई? निशान पारेख. What is the total capital? 20,000. Total capital is 20,000. Is it clear? So, what will be the other two partners' capital accordingly? 20,000 and 60,000. 20,000 for Urmila and 60,000 for Ramila. Where will you write these capitals? Debit side of capital account to balance CD. Aaj ke baad, inka jo capital hai, ye profit sharing ratio mein aa gaya. 60-20-20. अब डेफिसिट और कैसे एडजस्ट करना है सरप्लस या डेफिसिट चेक एंड टेल मी. दोनों का डेफिसिट है. कहां से एडजस्ट करना है? क्या कैश से करना है, करंट से करना है कि लोन से करना है? क्वेश्चन पढ़ो. हाउ आर यू गोइंग टू एडजस्ट? सो वन इज सरप्लस, वन इज डेफिसिट. अच्छा, वन इज सरप्लस, वन इज डेफिसिट. बट हाउ आर यू गोइंग टू एडजस्ट दिस सरप्लस और डेफिसिट? बोलो. How will you adjust surplus or deficit? Cash. Barabar hai. Nothing is specified then. Cash. Pay off karo, receive karo. Ramila ka dekho. Which side of Ramila is greater? Which side of Ramila is greater? Ramila. Debit side is greater? 65,925. Is that right? 65,925. करो डेबिट माइनस क्रेडिट. हाउ मच आर यू गेटिंग? सेवनटीन नाइन ट्वेंटी फाइव का डेफिसिट है. इज दिस डेफिसिट और सरप्लस? टेल मी. Deficit का मतलब कम था तो हमने पैसा ले लिया. हमने मंगवाया उससे कि तू भाई पैसा लेके आ तो तेरा कैपिटल बनेगा 60,000. ओके, रमीला से मंगवाया पैसा, अब 60,000 हो गया. और उर्मिला का देखो, उर्मिला का विच साइड इज ग्रेटर? आई थिंक क्रेडिट साइड इज ग्रेटर. 22,000 आ रहा है. 22,000 माइनस 21,970, 25 रुपया. टू बैंक 25 रुपए का सरप्लस था, वो हमने पे ऑफ कर लिया. और शर्मिला का तो टैली हो जाएगा 20,000 पे. वेयर विल यू शो द करेस्पॉन्डिंग एंट्री ऑफ टू बैंक एंड बाय बैंक? इट विल बी टू कैश एंड बाय कैश. अच्छा, कैश है. ओके, वेयर विल यू शो द करेस्पॉन्डिंग एंट्री ऑफ टू कैश एंड बाय कैश? वेयर विल यू शो द करेस्पॉन्डिंग एंट्री टू कैश बाय कैश? कैश अकाउंट. ये समझा आपको मतलब? टू कैश का मतलब टू कैश किसका था? उर्मिला का था. उर्मिला का 25 रुपया ज्यादा था, उसको दे दिया.
अब उसका कैपिटल हो गया 20,000 प्रपोर्शनेट, और रमीला का कितना कम पड़ रहा था, 17,925 कम पड़ रहा था, तो उससे मंगवा लिया. वी कॉल्ड हर, वी टोल्ड हर टू गेट द मनी, टू ब्रिंग द मनी, शी गॉट द मनी, एंड नाउ द कैपिटल इज 60,000. नाउ इट इज इन द प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो. अभी किसी का फायदा नहीं, किसी का नुकसान नहीं, नो वन इज एट अनड्यू एडवांटेज. जितना कैपिटल उतना प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो. गॉट इट? सो टू कैश का करस्पॉन्डिंग एंट्री आएगा कैश में बाय उर्मिला कैपिटल 25, एंड बाय कैश का आएगा कैश में टू रमीला कैपिटल 17,925. ओके, करंट तो डायरेक्टली बैलेंस शीट, कैश है तो कैश अकाउंट में दिखेगा. एंड दैट्स इट, योर सम इज ओवर. नाउ मेक द बैलेंस शीट क्विकली. पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट्स, this is Ramila capital, Urmila capital and Sharmila capital, that is 60,000, 20,000 and 20,000. This comes to 1,00,000. Cash to chala gaya, surplus deficit, to get the balance in cash aur baki asset copy karo aur likhte jao. 4,500. Cash is return. Cash का कितना है? 4,500. That is a balance you said, right? Yes, sir. Okay, calculate कर लो, check कर लो. Please check others. Cash is 4,5480. Bills receivable नहीं लिखा है तो लिख लो. Bills receivable. That is 4,5400. 4,5400. Bills receivable is 3,000. Debtors we have written. Stock we have written. Furniture written. Land and building written. Creditors नहीं लिखा है. Creditors कितना है? 35,000 है. Then you got reserve, distributed, capital, bills payable नहीं लिखा है तो लिख लो as it is, bills payable. 2,500. एक और आइटम आएगा बैलेंस शीट में. कैन यू टेल मी व्हाट इज दैट? गुडविल. थर्ड केस. ओके, थर्ड केस, क्योंकि अभी तक गुडविल राइट ऑफ नहीं हुआ है. कल बताया था आपको, ये एकमात्र केस है जहां पे गुडविल बैलेंस शीट में दिखेगा. ओके, थर्ड केस. तो दिस इज 20,000, दिस इज 20,000 एंड दिस इज गुडविल दैट विल गो इन योर बैलेंस शीट एट 20,000. गुडविल विल ऑल्सो कम एट 20,000. अभी तक राइट ऑफ नहीं हुआ है. फाइनली व्हाट इज द टोटल? 1,47,500. दोनों साइड चेक कर लो. गुडविल लिखना मत भूलना. डोंट फॉरगेट टू राइट गुडविल. 137,500. That's your sum. What was the different part in the sum you got? Alag kya tha sum mein? Capital was brought by different things. Capital was brought not only in the form of cash but in the form of other assets. Okay? So other assets add up to the assets in the balance sheet and no revaluation on them. सर, कैश अकाउंट टोटल 45,425. हाँ, लिख दो ना वो. नहीं मतलब मैं पूछ रहा हूँ, उतना ही है. उतना ही है, बराबर. 45,425. बैलेंस इज 45,400. चेक. Now I want you all to try some number 47 on your own. 47th sum, pura sum khud se try karna hai.
आई वॉन्ट हेल्प यू सम नंबर 47 खुद से पूरा सम ट्राई करो दिस इज लाइक अ रिविजन ऑफ योर थर्ड केस जैसे वो चंदा बिजली वाला फर्स्ट और सेकेंड केस का रिविजन था ये थर्ड केस का गुडविल का रिविजन है आपको खुद से ट्राई करना है पूरा कम ऑन ध्यान से पढ़ो कपिल एंड सनी सम नंबर 47 कपिल एंड सनी सम नंबर 47 ट्राई इट ऑन योर ओन 20 मिनट्स इज द टाइम फॉर बोर्ड्स बोर्ड लेवल प्रॉब्लम दिस इज 20 मिनट्स इज द टाइमिंग फॉर बोर्ड्स ट्राई टू गेट इट इन 20 मिनट्स कम ऑन स्टेप वाइज जाना स्टेप्स आपने लिख भी लिया है यू हैव रिटन स्टेप्स विद यू ओपनिंग बैलेंस रिजर्व लॉसेस ये सब में लॉस भी है ध्यान रखना पीएनएल अकाउंट ऑन द एसेट साइड इसको भी डिस्ट्रीब्यूट करना है रिजर्व लॉसेस कैपिटल गुडविल गुडविल का केस एंड प्रोपोर्शनेट कैपिटल एडजस्टमेंट Sir, in this the goodwill is given at 40,000. अभी इसमें से उसका individual share find out करना है ना? Read the question. Yeah, in the question only it is said that the goodwill of the firm is valued at 40,000, and his share is 1/5. So we'll divide, no? Yes. One minute, Here the goodwill का case is not third case. गुडविल का केस इज विच केस सेकंड केस फर्स्ट केस इट इज नॉट थर्ड केस व्हाई इट इज फर्स्ट केस विड्रॉन नहीं है विड्रॉन नहीं है और पहला लाइन पे दिया है रवि ब्रॉट इन कैश कैपिटल एंड गुडविल आर ब्रॉट इन कैश ओके सो वी नीड टोटल गुडविल और वी नीड हिज शेयर शेयर ढूंढना पड़ेगा थर्ड केस नहीं है इट इज फर्स्ट केस एब्सोल्युटली राइट फाइंड आउट द शेयर एंड देन पास द फर्स्ट केस व्हाट
What will be the share of goodwill? 40,000 का 1/5, that is 8,000, बराबर. All of you got that? It is not case 3. Why it is case 1? Is neither withdrawn nor उसे आपको अलग से write off. मतलब वो capital के ऊपर से included. It is brought in cash. Clear cut दे दिया. It is brought in cash. So brought in cash मतलब case 1. गुडविल का शेयर वो कैश में ला रहा है मतलब केस वन. कैश में ला ही नहीं रहा है तो इट इज केस 3. केस 1 इट इज. सो टेकन ओवर इफ यू डोंट राइट लाइक द फाइनल आंसर इन द बैलेंस शीट. ओके या फाइनल सीधा ही लिखने का है, मतलब जो टेक ओवर हो गया उसको गुल कर देने का. बैलेंस शीट में लिखना ही नहीं, डायरेक्टली निल, कुछ लिखना ही मत उसका, चलेगा बराबर. Sir, he introduced capital in cash and there is no cash account. There is a bank account. So that is same. Cash and bank. Bank ke through hi kar lena. Jo sum mein hai, sab entries cash aur bank ka usi mein karna.
Sir, ratio is 3:1. Which ratio you take in case one? Sacrifice ratio. Sacrifice. जो मोटर का 3000 पे एक्स्ट्रा वैल्यू है वो 3000 एक्स्ट्रा वैल्यू बताना है ना? यस, वो रिवाल में जाएगा, पहले 7 का हो जाएगा 10 और फिर 10 का हो गया टेक ओवर. And the existing reserve को हम बढ़ाएंगे ना 1000 से, so it is 10% on deaths. 28,000 का 10% directly. जो debtors है ना उसी पे RDD करना है. 28,000 का 10% कितना होता है? 2800.
और पहले से कार्डिटी दी और डेटर्स का न्यू वैल्यू दिया है तो वो उस पे काउंट नहीं कर रहा उसी पे 26200 पे 26200 को तो देखना ही नहीं है वो इग्नोर करना है 26200 तो कोई काम का है ही नहीं वैल्यू जो एक्चुअल डेटर्स है ना वो कितने हैं 28000 आरडीडी इज नॉट योर लॉस आरडीडी इज अ लायबिलिटी एक्चुअल डेटर्स पे ही आरडीडी होता है 28000 का 10% कितना होता है 2800 और ऊपर ऑलरेडी किया हुआ है 1800 का तो 1000 से बढ़ाने का दैट इज द मशीनरी विल बी अंडरवैल्यूड राइट बिकॉज़ इट इज गिवन मशीनरी इज अप्रिशिएटेड सो इट्स लाइक इन द पास्ट नहीं नॉट पास्ट फ्यूचर इज टू बी अप्रिशिएटेड अप्रिशिएशन डेप्रिसिएशन इज फ्यूचर होता है समझा नीर नीर वीर दोनों यू गॉट इट नीर सो 28000 इज द ग्रॉस डेटर उसी को देखने का वो 26200 तो क्या खाली आपने बताया है एसेट माइनस लायबिलिटी करके 26200 इज नॉट द एक्चुअल वैल्यू ऑफ डेटर 28000 ही है अभी वो लोग ने बोला नहीं हम पैसा देगा नहीं देगा अपने को लगता है कि उसका 10% नहीं देगा वी आर क्रिएटिंग आरडीडी ऑफ 10% 2800 बट ऑलरेडी 1800 तो था अभी कितने से बढ़ाने का तो खाली 1000 से बढ़ाने का 1000 का लॉस एंड न्यू आरडीडी इज 2800 गुडविल के लिए यू नीड शेयर एंड नॉट टोटल यू गॉट इट 8000 का शेयर टोटल गुडविल दिया था वी नीड केस वन के लिए शेयर सो 1/5 8000 प्रोपोर्शनेट कैपिटल मिला आपको 60 20 20
What the proportionate capital 60, 20, 20? Yes. डेफिसिट आ रहा है ना दोनों का 18,500 एंड 3,500 इज दैट राइट यस सर बैंक बैलेंस आ रहा है 67,800 Having a bank balance 138,000, does it tally? Yes. Mark a star on this sum, 47. Share is coming as 24,800. What, 24,800? For the share, I took goodwill instead of the actual share. I didn't get the question. What I saying? 40,000 का 1/5 लेना है 8,000 को 3 मैंने वो goodwill है मैंने जो profit capital capital ले लिया उसमें 8 ले लिया 20 का बदला I'll drink water and come. Yeah. Come to the last sum, sum number 45. You have finished this. Sir, बस ना आज के लिए तीन सम कर लिए. सर तीन सम हो गया. तीन सम किया. कॉलम ही नहीं. हाँ सर. Important sum है. और next time, next lecture, I'm starting with a new type, goodwill in the balance sheet. Well, that's why. This is the last sum of this type. इसके लिए. फटाफट. Last sum for the day. Sum number. सर अभी थोड़ा रुको कॉल एंड ड्रॉ करना पड़ेगा तीन ही सिंपल ड्रॉ किया था सर सर अभी मेरे को डेटर्स वाला नहीं समझा मेरा उसके वजह से रॉन्ग हुआ डेटर्स वाला हां तो डेटर्स वाले में देखो क्या दिया 10% आरडीडी करना है 10% किसका ग्रॉस डेट ओरिजिनल डेटर्स है ना 28,000
उसी को देखने का, वही डेटर है। डेटर ने बोला नहीं हम पैसा नहीं देगा, डेटर तो 28,000 ही दिख रहा है अकाउंट। अपने को लगता है कि शायद नेक्स्ट ईयर पैसा नहीं आएगा, इसलिए हम लोग एक लायबिलिटी बना के रख रहे हैं आरडीडी का। तो जो भी आरडीडी होगा ना ओरिजिनल डेटर्स पे लेने का 28,000 का 10% कितना होता है 2,800। तो अभी मतलब अभी बैलेंस शीट में आरडीडी 2,800 होना चाहिए, दैट इज द थिंग। फाइनल बैलेंस शीट में, न्यू बैलेंस शीट में आरडीडी शुड बी 2,800 और ऊपर देखो है 1,800 का है तो 1,000 से बढ़ाओ, नहीं होता तो पूरा 2,800 से बढ़ा देते। 1,800 का था ना ऑलरेडी लायबिलिटी, आरडीडी इज़ अ लायबिलिटी, 1,800 का था तो अभी कितना करना है 2,800 करना है, तो 1,000 रुपए से बढ़ा दिया। तो रिवाइल डेबिट साइड लॉस, न्यू वैल्यू इज 2,800। सेम प्रोपोर्शनल कैपिटल, न्यू रेशियो 3:1:1। अरे वो नहीं, वो कैपिटल मिलने के बाद कौन सी साइड को कैसे सबट्रैक्ट करें? डेबिट माइनस क्रेडिट, ये बैलेंस लिख दिया ना तुमने यहाँ पे, अभी जो साइड बड़ा है उसका टोटल लिख लो। कौन सा साइड बड़ा है यहाँ पे? ये बड़ा है, डेबिट बड़ा है, यहाँ पे भी डेबिट बड़ा है, डेबिट का टोटल लिख दिया, फिर ये माइनस किया क्रेडिट, इधर डिफरेंस आया। जो साइड बड़ा है उसका टोटल लिख के दूसरे साइड को माइनस करने का, एवरीथिंग यू हैव टू टेक बैलेंस के साथ, डेबिट माइनस क्रेडिट या क्रेडिट माइनस डेबिट, टेक एवरीथिंग इंक्लूसिव ऑफ न्यू बैलेंस। लास्ट सम, सम नंबर 45, साथ में करते जाओ, सम नंबर 45 आया। प्रोपोर्शनल कैपिटल क्लियर है, डेबिट माइनस क्रेडिट, क्रेडिट माइनस डेबिट, पहले बैलेंस लिख देने का फिर करने का डेबिट, सब कुछ लेने का, डेबिट माइनस क्रेडिट में बैलेंस भी ले लेने का, एवरीथिंग डेबिट माइनस क्रेडिट या क्रेडिट माइनस डेबिट, टू कैश या बाय कैश, बाय कैश है तो कैश में टू कैपिटल, टू कैश है तो कैश में बाय कैपिटल, सरप्लस है तो पे ऑफ, डेफिसिट है तो रिसीव। लास्ट सम, सम नंबर 45, रीड अलोंग विथ मी 45th सम। पार्टनर आर रमेश, सुरेश एंड महेश, रमेश, सुरेश एंड महेश, 45। रमेश, सुरेश एंड महेश, बैलेंस शीट इज एज ऑन, व्हाट इज द डेट ऑफ बैलेंस शीट? 1/1/18 कैश है कि बैंक है? तो बैंक है, स्टार्ट करो फटाफट, फर्स्ट स्टेप टू बैलेंस बीडी, बैंक में इट इज 20,000, गुडविल है नहीं, कैपिटल में लिख दो बाय बैलेंस बीडी 15 and 10। Okay. Second step is reserves. So you have got general reserve. So buy general reserve. What is the old ratio? Any information about old ratio? Not given. Not given. 1:1. 1:1. So that is 3,000 each. Barabar. Then after general reserve you go to capital. What is the new partner's capital? Ekdam last mein diya hai, fifth point. Mahesh brings 12,000 as his capital. Dikh raha? So bank to Mahesh capital. 12,000. Aur Mahesh capital mein buy bank 12,000. What next? Goodwill. Check which case of goodwill is that. Padho. Case 3, first point पे दिया हुआ है, goodwill account to be raised in the books on the basis of 3 years purchase of the average profits of last 5 years, दिख रहा है? तो case 3 है, cash में नहीं आ रहा है, write off भी नहीं है, case 3 समझ में आया सबको? All of you clear with case 3? खाली thing is goodwill का value नहीं दिया है, तो आपको calculate करना है, तो working note बना लो goodwill का, make a working note for goodwill. गुडविल का कितना कैसे कैलकुलेट करना है, ईयर्स और प्रॉफिट्स दिया हुआ है आपको,
2013 का इट इज 7,000, 2014 का इट इज 5,500, 2015 का इट इज 9,000, 2016 का इट इज 12,500 एंड 2017 का इट इज 16,000. टोटल अप, व्हाट इज द टोटल प्रॉफिट? 50,000 डिवाइडेड बाय हाउ मच एवरेज प्रॉफिट करना. एवरेज प्रॉफिट आर 50,000 डिवाइडेड बाय 5, दैट इज 10,000. Is goodwill equal to 1 year's average profit, 2 years average profit, 3 years average profit? How many years? 3 years purchase. बताया था आपको याद है? 3 years purchase. 3 years का मतलब क्या? Old partner क्या बोल रहे हैं? इतना 10,000 हम लोग 3 साल तक कमाएंगे. कितने साल तक कमाएंगे? 3 साल तक कमाएंगे. So total goodwill मतलब total profit would be 3 into 10,000. That is 30,000. अब क्या वो नया पार्टनर शेयर ला रहा है कैश में? नो. अगर लाने बोला होता कैश में तो कितना लाता? व्हाट इज द शेयर ऑफ न्यू पार्टनर? ही वुड ब्रिंग 10,000 बिकॉज़ 10,000 1/3. एब्सोल्युटली राइट, परफेक्ट गर्गी. 10,000 रुपीस 1/3 लेके आता कैश में. बट इज ही गेटिंग द गुडविल इन कैश? चेक. नो. सो मतलब इट इज केस 3, रेस कर रहे हो, राइट ऑफ का बात ही नहीं किया है. तो यही मिल गया अपने को टोटल गुडविल. How many entries in case 3? Two. One entry. Just one entry. What is the one entry in case 3? Goodwill to old partner, old ratio. Goodwill account debit to, who are the old partners? Ramesh and Suresh. Goodwill to Ramesh, goodwill to Suresh. Which ratio? Old ratio. Which goodwill are we supposed to take in case 3 and case 4? Total goodwill. 30,000 को old ratio में करो, मतलब 15,000 each. 15,000 each. समझाइए सबको goodwill. Total goodwill मिल गया. Total goodwill का share करने की जरूरत नहीं है. Total goodwill answer है. 30,000 को raise किया. Goodwill में 2 old partner. Old partner में buy goodwill. 15,000 each. अब आ जाओ रिवैल पे. फर्नीचर इज ओवर वैल्यूड बाय 200. बढ़ाना है कि घटाना है? फर्नीचर बढ़ाना, वी हैव टू रिड्यूस इट. सो लेस रिवैल्यूड, रुपया कम. ओके, और ये जाएगा टू फर्नीचर 200. मशीनरी इज अंडर वैल्यूड बाय 10%. मेरे को बताओ, अंडर वैल्यूड बाय 10%, विल यू डायरेक्टली एड 10%? 90. हाँ, याद आ रहा है वर्किंग नोट मशीनरी का बनाया था हमने. पास्ट टेंस, अंडर वैल्यूड ओवर वैल्यूड दिया है तो हमेशा क्या करने का? 100 लेके करने का. याद है बताया था, ये डायरेक्टली मत ऐड कर देना. लास्ट लेक्चर ही किया था हमने 100 का अजम्पशन लेके करने का. ओरिजिनल वैल्यू सपोज 100 था, आपने कितना बता दिया गलती से? 90. ऊपर देखो मशीनरी 27,000. वो 27,000 करेक्ट वैल्यू है कि रॉन्ग वैल्यू है? रॉन्ग के नीचे लिखो, अंडर वैल्यूड के नीचे लिखो. और करेक्ट वैल्यू क्या होगी आपकी? 27,000 इंटू 100 अपॉन 90. कितना आ जाए? 30,000 आ रहा है. 30,000 करना है मतलब 3,000 से बढ़ाना है. तो मशीनरी लिख दो 27 प्लस रिवैल्यूड 3,000, ये हो गया 30. अंडर वैल्यूड ओवर वैल्यूड हमेशा क्रॉस मल्टीप्लाई, हमेशा क्रॉस मल्टीप्लाई, डायरेक्टली मत करना. बाय मशीनरी 3,000. देखो अंडर वैल्यूड हो गया. कैपिटल अकाउंट ऑफ ऑल द पार्टनर रीएडजस्टेड ऑन द बेसिस ऑफ प्रॉफिट शेयरिंग, डिफरेंस इज टू बी ट्रांसफर टू करंट अकाउंट, दैट्स अ प्रोपोर्शनल कैपिटल एडजस्टमेंट. रिजर्व ऑफ 5% टू बी क्रिएटेड ऑन डेटर्स, नीर गिंद्रा ऊपर दिया हुआ है. रिजर्व्स आरडीडी है ऊपर नहीं है, बराबर है. डायरेक्टली डेटर्स का 5%, डेटर्स कितना है? 10,000. 10,000 का 5%, समझा? अभी जो ओरिजिनल डेटर है उसी पे लेने का. अभी ऊपर कुछ आरडीडी है ही नहीं ना, तो पूरा का पूरा क्रिएट कर दो 5%.
500 रुपीज तो जीरो था, जीरो से अभी 500 हो गया, 500 का पूरा लॉस जाएगा रिवाइल डेबिट में। ऊपर समझो 200 होता तो लॉस आपका होता सिर्फ 300 रुपया, ऊपर आरडीडी था ही नहीं तो पूरा का पूरा लॉस। महेश ब्रिंग्स 12,000 एंड 1/3 इज ए शेयर इन प्रॉफिट, खत्म। अभी आपको करना है प्रोपोर्शनेट कैपिटल एडजस्टमेंट लास्ट में, उससे पहले प्रॉफिट लॉस ढूंढ लेना। 3,000 माइनस 700 इज 2,300, हु विल शेयर इट टू रमेश एंड सुरेश, रमेश एंड सुरेश, दिस वुड बी 1150 ईच, इक्वल रेशियो, बराबर है। और बाय रिवैल आ जाएगा इधर 1150, ढूंढो अभी न्यू रेशियो, व्हाट विल बी द न्यू रेशियो फॉर प्रोपोर्शनेट कैपिटल एडजस्टमेंट। 1:1:1 तो वेरी सिंपल ओनली इट इज। न्यू रेशियो आप लोग को कैलकुलेट करना है खुद से, कैलकुलेट द न्यू रेशियो। न्यू रेशियो 1:1:1, हूज कैपिटल विल टेक इट एज बेस, whose capital will take it as base? Mahesh. कितना है उसका कैपिटल? 12,000। तो how much should be the other two partners' capitals? Ideally in the profit sharing ratio आज के बाद कितना रखना है आपको? Equal रखना है ना, तो 12,000 got it? तो ये लिख दो बैलेंस में, write that in the balance, to balance CD, 12,000. I think both the partners are having surplus over here, correct? How are you going to adjust the surplus? Kiske through adjust karne ko bol raha hai, question mein padho. Current, loan, cash, current. Idhar kya likhne ka? To current. Alag alag bhi likh sakte ho, Ramesh current, Suresh current, ya simply to current, saath mein. कितना आ रहा है ये? 34,150 आ रहा है टोटल क्रेडिट माइनस डेबिट। ध्यान से देखो विदुषी, हाउ टू फाइंड आउट द सरप्लस और डेफिसिट, यू रोट दिस अप, व्हिच साइड इज ग्रेटर ऑफ सुरेश, चेक। 34,150 क्रेडिट साइड इज ग्रेटर, बराबर है, समझ रहा है विदुषी? विदुषी हाँ, तो क्रेडिट साइड इज ग्रेटर, 34,150 लिखा, बराबर। माइनस डेबिट 12,000, क्रेडिट साइड इज ग्रेटर, माइनस 12,000 डेबिट साइड, गॉट इट? क्योंकि ये 12 नहीं होता तो बैलेंस कितना होता? 34,150 होता। अभी अपने को 12 बनाना है ना, इसका तो बहुत ज्यादा है, तो हम इसको पैसा वापस कर देंगे। कितना वापस कर देंगे? 34,150 माइनस 12, आज के बाद 12 ही रखना है इसका कैपिटल। तो एक्स्ट्रा कितना है इसका? 22,150। सिमिलरली सुरेश का भी देखो क्रेडिट ज्यादा आ रहा है, 29,150 आ रहा है क्रेडिट में। अगर ये 12 नहीं होता तो बैलेंस होता 29,150, लेकिन आज के बाद तो 12 ही रखना है, तो एक्स्ट्रा कितना है इसका? 29,150 माइनस 12,000, दैट इज 17,150, गॉट इट? ये एक्स्ट्रा पैसा हमने करंट में डाल दिया, और तीसरे वाले का तो सेम ही है 12,12,12। वेयर विल यू शो दिस करंट? टू करंट किधर जाएगा? लाइबिलिटी और एसेट। वाई लाइबिलिटी? ये पैसा देना बाकी है कि लेना बाकी है? क्रेडिट साइड पे, बराबर है। ये पैसा देना बाकी है कि लेना बाकी है? देना बाकी है। देना बाकी है, बराबर है। बिजनेस हैज टू पे टू द पार्टनर, बिजनेस हैज टू पे टू द पार्टनर। दे दिया होता तो टू कैश, जैसा लास्ट समय किया, टू कैश टू बैंक। देना बाकी है तो टू करंट या टू लोन में डाल सकते हो, ओके? बाय करंट होता तो एसेट, टू करंट है तो लायबिलिटी। बना लो ये रमेश करंट, रमेश कैपिटल, पहले कैपिटल लिख दो, खत्म, सम इज ओवर। रमेश कैप, सुरेश कैप एंड महेश कैप,
That is 12,000 each. 36. And partners current bhi aa jayega niche. Ramesh current and Suresh current. 22, 150 and 17, 150. Itna aata hai. 39,300. Get the balance at bank. Kitna aa raha hai balance at bank? 32,000. Will you have goodwill in the balance sheet? Tell me. Yes. Yes, sir. Yes. Why? It is raised and left behind. We haven't subtracted it and nor it is brought in. Barabar. Write off nahi hua hai abhi tak. Barabar hai. To ye ek hi case hai jahan pe goodwill balance sheet mein dikhega, balance aayega. ये भी बैलेंस शीट में डाल दो, कैश और गुडविल दोनों. कैश और गुडविल दोनों. कैश नहीं है, बैंक है. 32,000 और गुडविल आएगा 30,000. ठीक है, बाकी एसेट छाप के लिखना है आपको क्वेश्चन में से. बैंक लिख दिया है, डेटर्स लिख दिया है, फर्नीचर लिख दिया है, मशीन लिख दिया है, क्रेडिटर्स नहीं लिखा है. 20,000 लिख दो. बिल्स पेबल नहीं लिखा है. 10,000 लिख दो. जनरल रिजर्व डिस्ट्रीब्यूटेड कैपिटल लिख दिया. इट शुड टैली 1,05,300. चेक. खाली एक न्यू रेशियो का वर्किंग नोट मैंने नहीं बनाया, वो आपको खुद से कैलकुलेट करना है. न्यू रेशियो 1:1:1 आ रहा है, चेक कर लो. ओके, चेक चेक चेक. टुमारो ऑनवर्ड्स आई एम स्टार्टिंग विद अ न्यू वैरायटी, बैलेंस शीट गुडविल. अब के बाद हर एक सम बैलेंस शीट गुडविल वाले हैं. तो मोस्टली केस 3 केस 4 सम्स बैलेंस शीट गुडविल. कल से नए सम्स है, आज के लिए इतना काफी है. कीप प्रैक्टिसिंग. फाइनल अकाउंट्स बीओई टेस्ट नेक्स्ट वीक. ओके, Wednesday. Doubts are to ruko, otherwise you can leave. Bye bye. Bye sir, thank you. Complete karo, fir jana.